भर्ती संबंधित आज बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई। जो भी छात्र बिहार व्यवसाय अनुदेशक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते थे उनके लिए आज बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है। बिहार व्यवसाय अनुदेशक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अब रोक दी गई है। बिहार व्यवसाय अनुदेशक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की ऑफिशियल अपडेट जारी की गई है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार व्यवसाय अनुदेशक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। नई आवेदन डेट कब तक प्रारंभ की जाएगी? दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार अनुदेशक भर्ती 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट मिलने वाली है। तो दोस्तों, अभी हमारे चैनल सरकारी आरएन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आज बिहार व्यवसाय अनुदेशक भर्ती 2023 से संबंधित हम आपको महत्वपूर्ण अपडेट देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि बिहार में व्यवसाय अनुदेशक की नई वैकेंसी निकली थी, जिसका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। सभी अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया करवाया था और कुछ अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन नहीं करवाया था, लेकिन ऐसे में आयोग के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई, जिसमें बिहार व्यवसाय अनुदेशक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। ये भर्ती प्रक्रिया अब कब तक रुकी रहेगी और नई आवेदन तारीख का ऐलान अब कब किया जाएगा? तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके इन सवालों के जवाब मिलेंगे। तो दोस्तों, अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, ये 22 तारीख पाँचवा महीना 2023 की ये लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें बिहार तकनीक सेवा आयोग द्वारा ये नोटिस जारी की गई है। 22 तारीख पाँचवा महीना 2023 में ये लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें बिहार तकनीक सेवा आयोग द्वारा नोटिस जारी की गई, जिसमें विज्ञापन संख्या 7/2023 से व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर आवश्यक सूचना जारी की गई, जिसमें यह साफ निर्देश दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 7/2023 के व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों के अंतर्गत रिक्त पदों पर आईटीआई योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 23/5/2023 से 22/6/2023 तक निर्धारित की गई थी। मतलब जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 23/5/2023 से 22/6/2023 तक निर्धारित की गई थी, अब उसको रोक दिया गया। मतलब ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु जो सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी त्रुटि हो गई थी और उस तकनीकी त्रुटि के कारण 23/5/2023 से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा रही है। ऐसे में बिहार तकनीक सेवा आयोग द्वारा ये महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसमें यह साफ बताया गया है कि बिहार व्यवसाय अनुदेशक के आईटीआई पदों पर जो वैकेंसी होने वाली थी उसको अब रोक दिया गया। ये रोकने का कारण भी बिहार तकनीक सेवा आयोग के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि सॉफ्टवेयर में तकनीकी त्रुटि है थी कि सॉफ्टवेयर में तकनीकी त्रुटि के कारण बिहार अनुदेशक की भर्ती को रोक दिया गया। बिहार अनुदेशक भर्ती की जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी वो लगभग 23/5/2023 से लेकर 22/6/2023 तक शुरू होने वाली थी, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश सचिव बिहार तकनीक सेवा आयोग पटना द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी की गई। ऐसे में अब एक सवाल यह बन रहा है कि बिहार तकनीक सेवा आयोग द्वारा व्यवसाय अनुदेशक का ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कब तक शुरू की जाएगी? मतलब दोस्तों, बिहार व्यवसाय अनुदेशक के लिए जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी वो लगभग 23/5/2023 से लेकर 22/6/2023 तक शुरू की गई थी। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब जो नई डेट आएगी वो कब से कब होगी? तो दोस्तों, जो नई डेट का प्रारंभ किया जाएगा वो लगभग 5 से 6 दिन के मध्य मतलब 5 से 6 दिन के मध्य बिहार अनुदेशक भर्ती का जो सॉफ्टवेयर है उसको सही कर लिया जाएगा, और इसी डेट में 5 तारीख से 6 तारीख तक बिहार अनुदेशक भर्ती का ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तब तक दोस्तों, आप बिहार अनुदेशक भर्ती 2023 का इंतज़ार करें। 5 से 6 दिन के भीतर बिहार अनुदेशक भर्ती में जितने भी सॉफ्टवेयर में त्रुटि है उसको सुधार कर लिया जाएगा, और सुधार होने के बाद फिर से बिहार तकनीक सेवा आयोग पटना के द्वारा एक नोटिस निकाली जाएगी। उसी नोटिस के अनुसार बिहार तकनीक सेवा आयोग अनुदेशक के विभिन्न पदों पर जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया होगी वो निर्धारित की जाएगी। दोस्तों, ये बिहार तकनीक सेवा आयोग पटना के द्वारा ऑफिशियल लेटेस्ट अपडेट है,